देविका, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी आजादी पे रोक नहीं लगा सकती। I hate you, you bastard. चेयरमैन बनने के बाद मैं एक प्रेस में स्टेटमेंट दी थी, एक साल के अंदर अंदर मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दूंगा, और अब तुम महेन मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्री के डायरेक्टर, और मामूली से होटल चाय पीना। तू मेरी बात नहीं समझेगा यार, जिस दिन तू भी करोड़ों रुपया कमाएगा ना, तब तो पता चलेगा मेरे कहने का क्या मतलब है। अब आप ये बताइए, इसका उपाय क्या है? मेरे ख्याल से हमें मिस्टर महेन से बात करनी चाहिए, उनकी मिनिस्ट्री में जान पहचान भी है और कस्टम्स कलेक्टर उनके पुराने दोस्त हैं। बबली, बबली घर छोड़ के भाग गई है। नानी माँ, मैं घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। मेरी बदकिस्मती कही या गलत फैसले का नतीजा किसी बात ने मुझे बेहद परेशान कर दिया है, और मैं नहीं चाहती कि वो परेशानियां इस घर की खुशियों पर असर डाले, इस घर पर जिसे अपने अपने बड़े प्यार से और मेहनत से संवारा है। मैं जानती हूँ नानी माँ की अगर जिंदगी भर में रोती रही तो आपके हाथ मेरे आंसू पोंछने नहीं थकेंगे, लेकिन अपने इस दुख से बहुत टूट गई हूँ मैं, जीने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। लेकिन लेकिन मेरे लिए भगवान का स्थान भी आपके बाद आता है नानी माँ। मैं आपको ऐसा कोई दुख नहीं पहुंचा सकती जो जिंदगी भर के लिए इस घर में रहने लगे। यकीन जानिए, मैं घर से भागकर नहीं, घबरा कर कुछ रोज के लिए जा रही हूँ। गलती इतनी है कि आपको बिना बताए आपकी इजाजत बगैर लिए जा रही हूँ। वादा करती हूँ कि अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। आपकी बेटी बबली। स्टुपिड गर्ल, आई टेल यू, बचपना नहीं छोड़ती अपना। ये मुझे बूटी से कब तक संभाला जाएगा? सब कहां भटकी होगी वो, कुछ करना बैठे। विश्वास, कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और कान पकड़ के घर वापस ले आएंगे। और नानी, नानी इस खत में ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसके कारण आप इतना परेशान हो रही हैं, अपने आप को इतना दुख दे रही हैं। माना कि बबली में बचपना है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, इतनी बड़ी जरूर हो गई है कि अपना ख्याल रख सके। बढ़िए, इसलिए तो डर लग रहा है हमें। टाइम्स आर बैड, डैम इट। और अकेली लड़की का इस तरह शहर में घूमना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं होता है, इस पूरे शहर में तो मैं भी अकेली आती जाती रहती हूँ। तुम में और बबली में फर्क है मेधा, ऋषभ ये फर्क जानता है और बबली की भी समझ में आ चुका है। रिलैक्स बोलियो। और इसकी भी क्या गारंटी है कि वो बंबई में है और कहीं बाहर नहीं निकल गए? बेहतर यही होगा कि हम उसे ढूंढें। क्या बता सकती है कि बबली की कौन सी सहेलियां हैं, जहाँ वो जा सकती है? सबको फोन कर दिया है हमने, मैसेज छोड़ दिया है, कहीं नहीं है वो। मुझे पता भी नहीं कि उसके पास पैसे थे या नहीं, उसे क्या खाया होगा, रात कहाँ गुजारी होगी, मुझे क्यों नहीं बताया उसका दुख। अब जानती तो है नानी माँ, लेकिन बबली को अगर कुछ हो गया ना तो उस आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को संभालो प्रहलाद, इतना एक्साइटेड हो जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा दुख है ना बबली का, तो मेरा दुख भी कोई कम नहीं है, यू अंडरस्टैंड? दुख तुम्हें भले है, लेकिन अगर बबली को कहीं कुछ हो गया ना तो फर्क सिर्फ मुझे और नानी को पड़ेगा, और किसी को नहीं पड़ेगा। अरे फर्क तो किसी को तब पड़ेगा जब बबली को कुछ होगा, और मेरे होते हुए बबली को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। तुम यहां बैठकर हर बुरी खबर की कल्पना करो, लेकिन ऐसे किसी खबर को मैं इस घर तक पहुंचने नहीं दूंगा, अंडरस्टैंड? तुम नानी के साथ बैठो, नव्या, ऋषभ, सॉरी, आई अंडरस्टैंड प्रहलाद, मैं समझता हूं कि तुम पर क्या बीत रही हो, लेकिन प्रहलाद तुम्हें भी समझना चाहिए कि बबली तुमसे कहीं ज्यादा माने मेरे लिए रखती है, बचपन से जानता हूं मैं इसे। और हां प्रहलाद, जब जहाज के डूबने का अंदेशा हो तो डूबने की कल्पना करने के बजाय हाथ पांव चलाकर तैरने की कोशिश करनी चाहिए।
राइट, फैसला तुम्हारे हाथ में। या तो यहाँ बैठकर बुरी खबर का इंतजार करो, या मेरे साथ चलकर अच्छी खबर की तलाश। हेलो, यस, निशी मल्होत्रा। तबीयत कैसी है? तबीयत? आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं उनका सेक्रेटरी वर्मा, उनसे बात कर सकता हूँ? जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफिस में फोन कीजिए। मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचे? नहीं, कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, तो सोचा फोन करके उनसे तबीयत पूछ रहा हूँ। क्या आज वो ऑफिस आने वाले हैं? हाँ, वो कह रहे थे कि वो शायद ही आज ऑफिस जाएं। दरअसल वो डॉक्टर के पास से होके फिर ऑफिस आने वाले थे। मैडम, कुछ बता पाएंगे ऑफिस कितने बजे तक आएंगे? अगर मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप उनकी वो क्या है, वो उनकी शीला देवी, जी हाँ, शीला देवी जी, आप उनसे पूछ लीजिए, शायद वो बता पाएंगे, क्योंकि घर से निकलते वक्त उन्हीं का फोन आया था। शीला जी तो काफी दिनों से ऑफिस में नहीं थी। ओ, अगर शीला देवी को मालूम नहीं तो मैं कैसे बता सकती हूँ? सॉरी। केशव बहुत सख्त आदमी था, लेकिन बर्फ की तरह शराब में पड़ा और पिघल गया। दरअसल स्वेतलाना एक शराब का नाम है, लेकिन राजघराने की बर्फ किसी घटिया शराब में कभी नहीं पड़ी। आदमी चांदी की तस्करी तो बाजार से जाकर खरीद सकता है, लेकिन शाही जायका कभी नहीं। हाल ही में मैंने रॉयल फैमिली की एक औलाद को घटिया शराब में पिघलते हुए देखा। किसी की कोई नाजायज औलाद होगी? औलाद जायज है, और उसके जायज होने का सबसे बड़ा सबूत आपके रिश्ता है। ऋषभ मल्होत्रा आप ही के रॉयल कोर्ट की पैदाइश है ना? सो तो है, लेकिन ऋषभ एक ऊंचे पहाड़ की एक मजबूत चट्टान। मैं भी यही समझती रही, लेकिन वो पहाड़ पे जमी बर्फ निकला जो धीरे धीरे पिघल रही है। देख देख, केशव के बारे में मैंने कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन ऋषभ पे मुझे भरोसा है। भरोसा बहुत जल्दी टूटने वाला है, आप उस सदमे के लिए तैयार रहिए। सिल्वर एस्टेट्स, क्या हुआ उसका? अभी तक स्वेतलाना के कब्जे में है और रहेगा। उसने वोट दी और ऋषभ के मन से सिल्वर एस्टेट हासिल करने की ख्वाहिश ही मिटा दी। स्वेतलाना बड़े बड़े मगरमच्छ निकल चुके हैं, ऋषभ तो छोटी सी मछली है, तैरना सीख रहा है। सरासर वहम है तुम्हारा, सचमुच तुम्हारे दिल में स्वेतलाना की जो नफरत है ना, ये उसी का भ्रम है। इसलिए मत भूलो, ऋषभ को मैंने पैदा किया, के रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। वो किसी सस्ती घटिया चीज के सामने अपने घुटने, उसके घुटने मुड़ने लगे। आप जिंदगी भर केशव नाम की गलती को रोते हैं, ऋषभ मेधा नाम की गलती की तैयारी में। मेधा? वो कहां से बीच में? मेधा बहुत जल्दी आपके और ऋषभ के बीच में आने वाली है, मल्होत्रा खानदान की होने वाली बहू है। मेधा ऋषभ के चंद दिनों का शौक होगी, वो इस खानदान की बहू कभी नहीं है, और ना ही मेरा बेटा किसी गुमनाम खानदान की बेटी को अपनी बीवी बनाएगा। रंजना देवी, ऋषभ की दुनिया आबाद करने वाले लोग उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आप ऋषभ की जिंदगी में सिर्फ एक टंगी हुई तस्वीर बन के रह जाएंगे। इसका नाम बबली है,
मल्होत्रास के काफी करीब है इनका परिवार। ये घर छोड़कर चली गई है। कब की बात है जी? आशा किसी के साथ भाग गई है क्या? भागी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे पहले कहा कि वो घर छोड़ कर गई है, रूट कर गई है घर से, वो भी अकेली। आई एम सॉरी। आपसे गुजारिश है बिना ज्यादा चर्चा किए या इश्तेहार वगैरह निकाले आप इस लड़की को ढूंढने की कोशिश कीजिए, और अगर ये काम आपकी देखरेख में होता है तो मुझे इत्मीनान रहेगा। अब बेफिक्र रहिए, मैं आज ही से तलाश शुरू करता हूं। आज नहीं इंस्पेक्टर, अभी। बबली अकेली गई है और अकेली लड़की पर कई खतरों की संभावना हो सकती है, इसलिए आप खोज अभी से शुरू कीजिए। जो भी इस लड़की को सही सलामत घर पहुंचाएगा बतौर इनाम 50,000 रुपये मिलेंगे उसे। मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, हर 2 घंटे आपके फोन का इंतजार रहेगा मुझे। चल रहा है तुम्हारा ऑफिस महीन? क्या बात है, आजकल तुम मेरे ऑफिस में बहुत दिलचस्पी लेने लगी हो। पत्नी को अपने पति की घरेलू जिंदगी के अलावा बाहरी जिंदगी में दिलचस्पी लेना चाहिए। अच्छा, शादी के 20 साल बाद तुम्हारे अंदर ये दिलचस्पी जागी है? 20 साल बाद तुम्हारे झूठ बोलने की काबिलियत मुझे पता चला महीन। झूठ? झूठ झूठ बोलते रहे तुम महीन मुझसे। कौन से ऑफिस जाते थे तुम? तुम तो कई दिनों से ऑफिस भी नहीं गए। ये तुम्हारे सप्लायर्स क्या सप्लाई करते हैं तुमको? शीला निशी, स्टॉप इट नाउ। नहीं नहीं, तुमने शीला के साथ लास्ट ईयर रचाने के लिए नया ऑफिस खोल लिया। मैं अपनी जुबान को लगाम तो निशी बंडा लगाम तो अपने ऊपर रखो महीन मल्होत्रा। क्या खर्च है तुम मल्होत्रा मर्दों में? जायज रिश्तों से तुम्हारा जी नहीं भरता, इधर उधर मुंह मारते फिरते हो? क्या फिर हम औरतों के हिस्सों में दिमाग में अगर गंदगी भरी हो ना तो जबान कभी साफ नहीं रह सकती। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, शीला का नाम तुम मत घसीटो। क्यों? उसका नाम घसीटने से तुम्हारा नाम खींचा चलाता है? बात ध्यान से सुन लो, मुझे रंजना देवी बनाने की कोशिश मत करो, मैं अपने आप को नहीं समय बर्बाद कर दूंगी, समझे? जो मैंने नहीं किया है उसे करने की वजह अब तो मुझे दे रही। असलियत बराती हो तो कितनी घिनौनी नजर आती है। प्यार तुमसे तुम नफरत करने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि तुम प्रचलन हो गए होता है। एक कल का छोकरा तुमसे चेयरमैन की गद्दी ले गया तो तुम्हें किसी औरत के आंचल में मुंह छुपाने की जरूरत पड़ गई। नहीं नहीं नहीं, केशव मल्होत्रा उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हो, लेकिन ये सब उसे शोभा देता था महेश, तुम्हें नहीं। वो तो हर तरह से कामयाब था, तुम हर तरह से नाकाम, हर तरह से, समझे? हार तो गया हूं मैं ऋषि, यहां तक कि तुमसे भी हार गया हूं। दरअसल में तुम कभी मेरी पत्नी बन ही नहीं पाई, वरना कोई भी पत्नी अपने पति के जख्मों पर इस तरह नमक नहीं छिड़कती। अपने सहूलियत के लिए तुम कोई भी बहाना बना लो मुझे, लेकिन एक बात कील की तरह अपने दिमाग में डाल दो, मेरा दर्जा तुम्हारी पत्नी का ही रहेगा, समझे? हेलो हेलो, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं बिच? एक बात कान खोलकर सुन, महेन मल्होत्रा ने अपनी शॉपिंग खत्म कर दी, अपना दुकान कहीं और जाकर खोलो। बिच। माँ जी, टेंशन से किसी मसले का हल नहीं निकलता है। मुझे मेरी चिंता नहीं है,
सिर्फ मेरी बबली जहाँ भी हो ठीक हो खुश रहे। माँ जी बच्चे इस उम्र में अक्सर नादानियां करते हैं, अब आप आराम से सो जाए। कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, मामूली सा हाई ब्लड प्रेशर है, थोड़े से आराम के बाद ठीक हो जाए। लेकिन ख्याल रखिए कोई भी ऐसी बात जो उनके मन पर असर डाले इनके कान में नहीं पहुंचनी चाहिए। चलो बेटे अभी तुम भी घर जाओ। हाँ कब तक मेरी तीमारदारी करती रहोगी? जब तक मेरा दिल नहीं भरता। अपनी माँ की सेवा का मौका तो नहीं मिला मुझे, आपके बहाने ये सुख हासिल कर लूं। ऑफ कोर्स अगर आपको एतराज ना हो तो। प्यार मिलने में किसी को एतराज हो सकता है? बबली को नहीं मिला इसीलिए तो। नानी माँ हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा तो भगवान भी नहीं करते, ये तो माँ होती है जो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी होते हुए देखना चाहती है। और बबली की उम्र की लड़कियां अक्सर प्यार का फैसला गलत ही कर लेती है। नहीं बबली का फैसला गलत नहीं था, सही था। ओके हो सकता है बबली का फैसला सही हो, लेकिन नानी माँ फैसला तो तभी सही माना जाता है अगर उसमें दोनों की मर्जी शामिल हो। हमें अपने मतलब के लिए तो नहीं जीना चाहिए और ना ही जिंदगी को इतना छोटा करके देखना चाहिए कि अपनी आंखों के सामने बस आपको कुछ एक लोग ही नजर आए। बबली को प्यार मिलेगा, दुनिया में बहुत लोग हैं, उसे बहुत प्यार मिलेगा। डर लगता है कहते हुए मिला शहर लौट के भी ना आए। तूने उसकी एक जिद देखी है, मैंने उसकी जिद के साथ 20 साल गुजारे। शर्मा तुम लोगों से कितनी बार कहा जा चुका है कि ऑर्डर भेजने से पहले सब कुछ चेक किया करो। छोटी छोटी चीजें जो नजरअंदाज कर दी जाती हैं, इसका कितना बुरा असर पड़ता होगा हमारे कस्टमर्स पर। हम तो ये खुद साबित करने पर तुले हुए हैं कि हम अनप्रोफेशनल हैं। हाँ और मार्केट में हमारा इतना बड़ा नाम नहीं है कि कोई हमारी लापरवाही बर्दाश्त कर लेगा, समझे? हेलो यस यस मिस्टर कटारिया जी, जानती हूँ 15 दिन का वक्त दीजिए, आपकी पूरी पेमेंट पहुंचा दी जाएगी और अगर नहीं पहुंची तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। नहीं सर आपको गलतफहमी हो रही है, मेरे पास किसी की जायदाद का कोई हिस्सा नहीं है और अगर आगे आपको मेरे साथ बिजनेस करना है तो प्लीज मेरी जातीय जिंदगी में दिलचस्पी ना दिखाएं तो बेहतर होगा। यस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एवरीबॉडी स्टॉप वर्क, सब लोग काम रोक दीजिए। क्यों काम क्यों रुका दिया भाई? स्वेता रिलैक्स, हमें सब कुछ बैठकर फिर से प्लान आउट करना होगा क्योंकि 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 क्या बोलो? एक बुरी खबर है स्वेता। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? अपने आप को संभालो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। अब बोलो भी सूरज, बहुत बुरी बुरी बातें हैं दिमाग में, कहीं वर्कशॉप तो बंद नहीं करना पड़ेगा? अब वर्कशॉप ऐसे नहीं चल पाएगी सूरज, हमें बातें बंद करो और बोलो क्या हुआ है प्लीज। मेरे यहाँ एक फैक्स आया है, ये देखो। मेरी कंपनी के फैक्स तुम्हारे यहाँ क्यों आते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहे, अभी तक समझ में नहीं आया। सूरज सूरज अब ऐसी खबरें तुम्हें मेरे जरिए मिला करेगी, ये तुम्हारी किस्मत है। ये तो हमारे लंडन बायर के ऑर्डर का कॉन्फर्मेशन लेटर है। 100% है, इसका मतलब है कि हमें ऑर्डर मिल गया है। अनडाउटेडली। यू रास्कल। शांति खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। छोटा सा